ओ माय गॉड, देखिए इसकी आवाज सुनिए। और इसको जब भी खतरा महसूस होता है तो देखिए ये ऐसा मूवमेंट बना ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका सर्पमित्र में। और आज का जो रेस्क्यू का कॉल है, अहिरौली ग्राम सभा रेस्क्यू देखने को मिला है। तो ये जो सर देख रहे हैं टोपी पहने हुए हैं, तो इन्हीं के घर में कोई बहुत बड़ा साइज का सांप देखा है। इन्होंने जैसे ही सांप को देखा वैसे हमें कॉल किया, मौके पे हम आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर है। ओ माय गॉड, ये भूसा वाला घर है दोस्तों, इसमें गायों के लिए चारा वगैरह रखा जाता है। कहाँ है, किस जगह है, दिखाइए। टॉर्च जला के रुकिए, मैं कर ले रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अंधेरा है काफी ज्यादा। मैं आप लोग, ओ माय गॉड, देखिए दोस्तों साक्षात यमराज का रूप है। और सोच सकते हैं दोस्तों, यहाँ डेली भूसा वगैरह निकालने के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए इस चारे का उपयोग किया जाता है। आप सोच सकते हैं वो चारा लेने के लिए आते हैं और ये ऐसा काल का कपाल इसके अंदर छुपकर बैठा है। उस परिवार वालों को अगर काट लेता तो क्या हो सकता था, आप लोग स्वयं जानते हैं, क्योंकि ये एक साक्षात मौत है। तो क्या है, कैसा है, कौन सा सांप है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी और सारी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए इसको रेस्क्यू करते हैं। इन सब चीज़ों को हटाने या उठाने से पहले एक बार चेक जरूर करें। तो चलिए इसको रेस्क्यू करते हैं और हटाते हैं और निकाल कर बाहर ले चलते हैं। ओ माय गॉड, देखिए इसकी आवाज सुनिए। इसी को सीटी वाला सांप भी लोग बोलते हैं। ओ माय गॉड, इसकी आवाज कितनी खतरनाक है। और ऐसा कब करता है, जब इसको खतरा महसूस होता है तब। देखिए ऐसा लग रहा है हमारे घर में दाल बनाई जा रही है और कुकर सीटी मार रहा है, तो आप सभी लोग समझ सकते हैं। अच्छा, अजगर समझ रहे हैं क्या? देखिए दोस्तों, अभी भी ग्रामवासी के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसको अजगर लोग समझ रहे हैं। तो चलिए पकड़िए, इसको बाहर चलते हैं। देखो, चलिए बाहर लेकर चलते हैं दोस्तों। और काफी ये ज्यादा खतरनाक है ये, तो इसको लेकर चलते हैं बाहर और इसको तो देखिए दोस्तों, ये काल है आ चुका है बाहर और काफी खतरनाक होते हैं ये। और जब भी ये देखिए, इसका मूवमेंट देखिए, एस का मूवमेंट ले रहा था। एस के मूवमेंट पे ये करीब करीब 3 से 4 फीट तक का उछाल मार के बाइट करते हैं। और सबसे आश्चर्य वाली बात ये होती है कि ये भारत के सांप, ये एकमात्र ऐसा सांप है जो डायरेक्ट अपने गर्भ से बच्चे को जन्म देता है, ना कि अंडा देता है। तो ये अंडा देने वाला सांप नहीं है, ये अपने बच्चे को पेट में पालता है और उसको जब समय आता है तो जन्म देता है। और आपको इंग्लिश में रसल स्वाइपर स्नेक बोलते हैं। कई जगह पे इसे चंदन बोड़ा, कई जगह पे घोनस और कई जगह पे इसे चीतर लोग भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बॉडी पे जो पैटर्न बना रहता है उस पैटर्न के वजह से इसे चीतर बोला जाता है। और इसको जब भी खतरा महसूस होता है तो देखिए ये ऐसा मूवमेंट बना लेता है और मूवमेंट बना के बहुत तेज तर्रार फुफकार मारता है। तो आप समझ सकते ऐसे करत रहा है। और आप क्या करनी है फिर, भाग चलनी वहां से? हाँ हाँ, बाप रे बाप दोस्तों, कितनी लकी है ये माता जी कि इसके उपकार के आगे उन्होंने बिल्कुल नहीं समझ पाई। और इस सांप का जो नाम है मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया, और इसको जो वैज्ञानिक नेम है वो रसली द बॉय है।
इसके अंदर हीमोटॉक्सिक नामक जहर पाया जाता है। जब ये किसी व्यक्ति को काट ले तो 40 से 50 मिनट के अंदर अगर सही उपचार और सही ट्रीटमेंट ना मिले तो इंसान मर जाता है। तो कभी भी ऐसी गलती आप सभी लोग ना करिए, इसके नजदीक जाने का प्रयास ना करिए। और एक चीज है, एक एक का समझल जाता रहा, कौन सा आप लोग समझत रहनी आप लोग अभिन का लौकता नहीं जान पाए। देखिए जो कि कहीं ना कहीं बहुत भोले भाले बहुत प्यारे होते हैं सब, इन लोगों को इतना जानकारी नहीं रहती है सांपों के बारे में। अक्सर करके इसको लोग चीता, अजगर और भी अन्य नामों से लोग जानते हैं। लेकिन चलिए, हमारा प्रयास रहता है समाज में हमेशा जागरूकता फैलाने का, तो उसी जागरूकता फैलाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोग सपोर्ट करिए और प्यार आशीर्वाद दीजिए, और इन मैम के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए चलिए अब इसको करते हैं पैक। तो चलिए दोस्तों, आ चुका है समय इस बेजुबान को पैक करने का। तो चलिए इसको करिए सुरक्षित थैले में पैक। और इसकी फुफकार वाकई गाइस काफी खतरनाक है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए हमने सुरक्षित कर दिया पैक। जय हिंद जय भारत। अब सुरक्षित अनुकूलित वातावरण में ले जाके इस सांप को छोड़ दिया जाएगा ताकि ये अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से वहां सरवाइव कर सके।